हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का। आपको पता होगा ये जो एलोवेरा जेल है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन फेयरनेस के लिए एंड आल्सो स्किन लाइटनिंग के लिए। बेसिकली ये जो है गोरेपन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आज इस वीडियो में इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इसको आप स्किन वाइटनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैसे आपके स्किन पर काम करेगा एंड ये कैसे आपके दाग धब्बों को भी कम करेगा, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है, कब तक इसका रिजल्ट मिलेगा, ए टू जेड आपको बताने वाली हूँ। बाय द वे ये बिल्कुल प्योर यू नो आयुर्वेदिक है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो देन मेक श्योर चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब करें एंड सभी मेरे चैनल पर बने रहें ताकि मैं जितने भी इसी टाइप की वीडियोज डालूँ सबसे पहले आप देखो एंड सबसे पहले आप नोटिफाइड हो गाइज। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, मुझे पता आप लोग कर लोगे एंड मेरे चैनल पे हमेशा बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो मैंने 60 ml वाला लिया है जो कि मुझे पड़ा 45 रुपीज़ एंड आपको इसमें 120 ml वाला भी मिल जाएगा एंड ऑल्सो 100 ml वाला भी मिल जाता है, आई थिंक 200 ml वाला भी आता है। तो जितने भी ml वाले होंगे उन सभी का परचेस लिंक डिस्काउंट के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहीं से जाकर लेनी है, ठीक है। ये मैंने 45 रुपीज़ का लिया है सॉरी ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन भी इजिली मिल जाएगा एंड ऑफलाइन भी मिल जाएगा। सो ये जो प्रोडक्ट है ये है पतंजलि की तरफ से सौंदर्य एलोवेरा जेल। ये जो जेल है ये नॉर्मल जेल नहीं है, ये 100% आयुर्वेदिक है एंड नेचुरल है, इसमें कोई भी तरह का यू नो केमिकल नहीं मिलाया गया है, तो सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर ऑल द स्किन टाइप के लिए है। अगर मैं बात करूँ इसका कंसिस्टेंसी आपको कैसा मिलेगा तो ये जेल कंसिस्टेंसी में है, ठीक है, और इसका ऑरिजिन इंडिया का है, तो ठीक है, तो ये इंडिया का ब्रांड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको आपको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये जो जेल है गाइस ये दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपके स्किन पे कोई भी तरह का दाग धब्बा है, डार्क स्पॉट्स है मतलब पिंपल्स के बाद डार्क स्पॉट्स है, या फिर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, इवन टैनिंग को भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। सो किसी भी तरह का दाग धब्बा हो, इवन छाइयाँ हो, रिंकल्स हो, फाइन लाइंस हो, कोई भी तरह का इश्यूज है वो ये जो जेल है वो ठीक करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे स्किन इश्यूज पे बहुत अच्छे से काम करेगा। ये जो जेल है ये ऑल्सो स्किन लाइटनिंग करता है, स्किन को वाइटन करता है, स्किन को फेयरनेस करता है, स्किन के क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा एंड ऑल्सो स्किन को इवन करेगा, ग्लोइंग स्किन आपको देगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करनी है, स्किन वाइटनिंग के लिए आपको क्या करनी है, तो आपको जो है इसके साथ कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ, क्वांटिटी आपको जितना आप पतंजलि का लोगे, जैसे 2 ड्रॉप अगर आप पतंजलि का ले रहे हो तो 1 ड्रॉप आपको जस्ट कोकोनट ऑयल लेनी है, ठीक है। ध्यान रहे जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है वही वाला कोकोनट ऑयल का आपको इस्तेमाल करना है, ब्लू कलर का आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये दोनों को अगर आप मिक्स करके रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी एंड अगर आपकी स्किन बिल्कुल भी इवन नहीं है, बिल्कुल भी यू नो सुंदर नहीं है, तो इससे आप अपनी स्किन को निखार सकते हो एंड ऑल्सो आपकी स्किन को इवन कर सकते हो, ठीक है। इसको आपको सुबह उठते ही फेस वॉश करने के बाद आपको इस्तेमाल करनी है। फेस वॉश करने के बाद इस दोनों यू नो एलोवेरा जेल एंड ऑल्सो कोकोनट ऑयल को मिक्स करके देन लगानी है एज अ मॉइस्चराइजर, ठीक है। उसके ऊपर आप कोई भी सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है सनस्क्रीन, नेचुरल वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो मॉर्निंग में आपको एक बार लगानी है और एक बार नाइट में फॉलो करना है, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद ध्यान रहे जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसमें कोई भी तरह का केमिकल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फेस वॉश में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एंड ऑल्सो सनस्क्रीन में भी नहीं होनी चाहिए। रात में अगर आप सीरम का भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड ट्रस्ट में गाइस ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और डार्क है तो उससे आपकी स्किन बहुत इन्हांस होगी, आपके सेट लाइटन होंगे एंड ऑल्सो स्किन को बहुत अच्छा बना देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्किन पे एक अच्छा ग्लो ऐड करता है ये, ठीक है। लगाते ही आपको स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो दिखेगा। सो ये बहुत अच्छे से काम करता है। पतंजलि आपको पता होगा दी बेस्ट है फेस के लिए, इवन बॉडी पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों को यूज़ करके आप अपनी स्किन को बेहतर और बेहतर बना सकते हो।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसका जो रिजल्ट है वो आपको कब तक मिलेगा, तो गाइस इसका रिजल्ट आपको एक वीक के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और डार्क है तो वो धीरे धीरे करके लाइटन होना स्टार्ट हो जाएगी। बट गाइस इसको आपको रेगुलर यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि आप बीच में इसको स्किप कर दोगे, ठीक है। सो इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फॉर ऑल द स्किन टाइप के लिए, इवन जिनके स्किन पे एक्टिव पिंपल्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों का परचेस लिंक पतंजलि का एंड ऑल्सो कोकोनट ऑयल का परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ आपको अभी बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा मेरे लिंक से, तो आपको वहीं से लेना है। और आज गाइस तो ये आज का वीडियो एंड यही था इस पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छे से काम करता है, सभी जाके बाय करो एंड यूज़ करो, अपनी स्किन केयर में इसको बिल्कुल शामिल करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो, देन मेक श्योर चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है, उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि मैं जितनी भी रिजल्ट गई सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि मैं जितनी भी रिजल्ट गई सबसे पहले आप देखो, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और अगर आपको कोई भी तरह का क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगी, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली फॉलो करके देन वहां से भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक में वीडियोज चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। और मेरे चैनल पे बने रहे ताकि मैं इसी टाइप के कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहूं, जिससे आप अपने स्किन को बेहतर बेहतर और बेहतर बना पाए। चलिए मिलते हो अगली वीडियो में, चल देन बाय बाय।